करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है, प्रोड्यूस वेव्स। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, ले लो दो ट्यूनिंग फोर्क। ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया। अब अगर ये वाइब्रेट करते हैं तो उनका इक्वेशन दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट, पर मिनट कितने बीट्स जनरेट होंगे उनकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो चलो अब y1 इज इक्वल टू 4 साइन 5500 पाई टी, ये दिया हुआ। हमें बीट्स तभी पता चलेगा जब इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मान लो ये जो साउंड जनरेट किया, ये फ्रीक्वेंसी f1 का और ये फ्रीक्वेंसी f2 का, तो बीट्स हो जाएगा f1 माइनस f2 का मॉड। ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होगा बीट्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तो हमारे कान सुन नहीं पाएंगे भाई, कंटिन्यूअस इंटेंसिटी सुनाई देने लगेगी। द बीट्स जो है, इसलिए बोला जाता है कि बीट्स एक ऐसी सुपर पोजिशन की फिनोमिनन है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना कम? नॉट मोर देन 10। चलो तो ये जो डिफरेंस है वो 10 से कम ही होना चाहिए, लेस देन 10। चलो तो यहां पहले इक्वेशन से ओमेगा वन आ जाएगा, वो आ जाएगा 500 पाई, क्योंकि इसको मैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर दिया। तो यहां से 2 पाई फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 500 पाई, तो पाई ने पाई को, तो यहां से f1 आ जाएगा 250 हर्ट्ज। तो फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 250 हर्ट्ज, बराबर है। चलो दूसरे का इससे कंपेयर करोगे, इस ये जनरल इक्वेशन है, इससे इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो 506 पाई आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी f2 इज इक्वल टू 506 पाई, तो पाई ने पाई को और 2 ने 506 को, तो 5253 दैट इज f2 हर्ट्ज। कैलकुलेशन बहुत तेज करो, दिमाग बहुत तेज चलाओ, निकाल लो बीट्स। तो f2 माइनस f1 मॉड जो बीट्स मिलेगा 500 में से 250 घटा दोगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 3 बीट्स मिलेगा। और ये जो बीट्स आता है वो पर सेकंड होता है, तो एक सेकंड में 3 बीट्स मिला, तो एक मिनट में कितना बीट्स मिलेगा, तो बीट्स पर मिनट, तो कितने बीट्स आ गए यार, 60 × 3 मतलब 180 बीट्स एक मिनट में ऑब्जर्वर सुनेगा। मतलब हम लोगों को बी ऑप्शन सही है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की